क्या है और ज्ञापन जो आप लोगों ने दिया है, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है? जी, मैं हाफिज नियामत कुरैशी और इस वक्त मदर टेरेसा फाउंडेशन की जानिब से आज SDM महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि पुलिस की कस्टडी में जो है फैसल हुसैन नामक व्यक्ति जो कि बागरमऊ उन्नाव के रहने वाले हैं, उनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। उसी के संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि सभी टीम के जितने भी लोग हैं, जितने भी जिले के लोग हैं, सभी लोग अपने अपने जिलों में SDM महोदय द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाए। इसी संबंध में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और SDM महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और हमारी मांगे हैं कि जो फैसल हुसैन की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, जो भी उनका आरोपी है, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारी दूसरी मांगे ये हैं कि फैसल हुसैन के परिवार वालों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। और हमारी तीसरी मांग ये है कि उनके परिवार वालों को किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। इसी संबंध में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारी समस्त टीम, जिला मीडिया चेयरमैन जैसे कि तालिब फरीदी साहब हैं, तशरीफ शर्मा हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में और नगर अध्यक्ष अबू जैद के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर SDM मछली शहर को ज्ञापन प्रेषित किया है। हाफिज नियामत कुरैशी का फाउंडेशन की जानिब से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जो पुलिस की कस्टडी में फैसल हुसैन नामक बागरमऊ उन्नाव के रहने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, जो कि एक निंदनीय घटना है जिससे पूरे समाज के लोगों को आहत हुई है, तकलीफ हुई।